उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आम आदमी पार्टी द्वारा पिछले 10 दिनों से चली आ रही नगर निगम सफाई कर्मियों की हड़ताल और धरने के संदर्भ में सफाई अभियान चलाया गया। प्रदेश संचालन समिति के अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक की हठधर्मिता के कारण सफाई कर्मियों की हड़ताल लंबी खिंचती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सफाई कर्मियों की जायज मांगों पर तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है। उन्होंने सफाई कर्मियों की मांगों का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से तुरंत आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाकर सफाई कर्मियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। देखिए, आज हम सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस दून हॉस्पिटल के बाहर जो पिछले 10-11 दिनों से कूड़ा पड़ा है उसको साफ करने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर मरीज हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, महामारी फैलने का खतरा है। इसकी वजह से हम सारे कार्यकर्ता आज यहाँ का कूड़ा उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमने ये कूड़ा अपने हाथों से उठाया, हमने ग्लव्स पहने हुए हैं, उसके बावजूद भी मेरी उंगली जिस तरह से कटी है, और ये कर्मचारी बिना किसी फैसिलिटी के यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि बिना फैसिलिटी के काम करना और वो भी मात्र 5,000 रुपये महीने में काम करना, इनके लिए कितना दुखदायी होता हुआ। इस दर्द को समझते हुए आज आम आदमी पार्टी ये सरकार को चेताती है कि उनकी मांगों को जल्दी से जल्दी माना जाए। अगर सरकार अगले 2 दिन के अंदर उनकी मांगों को नहीं मानती है, जो डाइट मांग है, न्यूनतम वेतन की जो मांग है, तो आम आदमी पार्टी उग्र प्रदर्शन करेगी, बल्कि पूरे शहर को साफ करेगी और उस कूड़े को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर और इनके मंत्रियों के आवास के बाहर फेंक के आएगी। देहरादून से कनक बिष्ट की रिपोर्ट।